राजस्थान विधानसभा के इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्रा जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, उपस्थित सभी विधायकगण व पूर्व विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, देवियों और स्वजन सभी का नमस्कार। मानो सम्मानों और बलिदान सुरज्ञ राजस्थान की धरारी धत्तीरा निवासियों ना घनी शुभकामनाएं। कुछ बोलने से पहले मैं विधानसभा के पावन धरती को मैं नमन करती हूँ। उन्नीस में राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक इस विधानसभा द्वारा 71 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रचा गया है। इसके लिए मैं राज्य की प्रबुद्ध जनता को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को तथा आप सभी विधायकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। इस अवसर पर मैं समस्त देशवासियों की ओर से राजस्थान के सभी पूर्व राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को, विधानसभा अध्यक्षों और विधायकों के योगदान की स्मरण करती हूँ। राजस्थान के लिए ये विशेष गौरव की बात है कि वर्तमान संसद के दोनों सदनों ने अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधायकों द्वारा की जा रही है। उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ जी तथा लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी राजस्थान में विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। संविधान सभा द्वारा प्रत्येक राज्य में विधायिका की स्थापना सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार संविधान की धारा 168 द्वारा विधानसभाओं का गठन करने का प्रावधान लागू हुआ। जैसा कि इस सदन के सभी सदस्य जानते हैं, स्वाधीनता के बाद 1948 में मत्स्य यूनियन की स्थापना के साथ इस राज्य के स्वरूप का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो विभिन्न चरणों में होता हुआ। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार राज्य के पुनर्गठन तथा अंत में अजमेर के राजस्थान से विलय के साथ संपन्न हुआ। राज्य के इस एकीकृत तथा व्यापक स्वरूपों के आधार पर विधानसभा का स्वरूप भी निर्धारित हुआ। यद्यपि पहली विधानसभा वर्ष 1952 में अस्तित्व में थी, सभी सामाजिक वर्गों तथा भौगोलिक क्षेत्रों के विधायकों की उपस्थिति के कारण ये विधानसभा राजस्थान के विविधता का सुंदर प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में जैसलमेर के मरुस्थल से लेकर सिरेही के माउंट आबू, उदयपुर की झीलों तथा रणथंभौर के वनांचल में प्रकृति की इंद्रधनुषी छिटा दिखाई देती है। ये विधानसभा भवन राजस्थान की पारंपरिक स्थापत्य कला का सुंदर आधुनिक उदाहरण है। जयपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जयपुर नगर की निर्माण योजना वैदिक स्थापत्य कला पर आधारित है, जिसमें अन्य शैलियों का भी सुंदर समावेश किया गया है। राजस्थान के शिल्पकार और कारीगर बेजोड़ निर्माण कार्य और हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति भवन की गणना विश्व के सबसे प्रभावशाली भवनों में की जाती है। मैं आपके साथ ये साझा करना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति भवन के निर्माण में लगे अधिकांश पत्थर राजस्थान से ही गए थे। राष्ट्रपति भवन के सुंदर निर्माण में राजस्थान के अनेक कारीगरों का परिश्रम और राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे जयपुर
कलम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की शोभा बढ़ाता है। इस तरह जयपुर कलम के माध्यम से राजस्थान की छवि राष्ट्रपति भवन में आने वाली प्रत्येक व्यक्तियों तथा वहाँ रहने वाले कार्य करने वाले सभी लोगों के मनोमस्तिष्क में बनी रहती है। अतिथि को देवता समझने की भारतीय भावना का बहुत अच्छा उदाहरण राजस्थान के स्नेही लोग प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में लोकप्रिय गीत पधारो हमारे देश में अभिव्यक्ति अतिथि सत्कार को भावना को यहाँ के लोगों ने अपने व्यवहार में भी ढाला है। राजस्थान के लोगों के मधुर व्यवहार और प्रकृति तथा कलाकृतियों के मनमोहक आकर्षण के कारण देश विदेश के लोग यहाँ बार बार आना चाहते हैं। देवियों और स्वजनों, राजस्थान के उद्यमी लोगों ने राज्य से और देश से बाहर जाकर वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली पहचान बनाए हैं। इस प्रकार आप सभी विधायकगण एक समृद्ध परंपरा वाले राज्य में अत्यंत प्रभावशाली और परिश्रमी लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। सभ्यता और संस्कृति के हर आयामों में राजस्थान की परंपरा बहुत मजबूती रही है। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले राजस्थान के क्षेत्रों में ही संस्कृत के महाकवि वाघ ने शिशुपाल बद्ध नामक श्रेष्ठ महाकाव्यों की रचना की थी। उनके काव्यों की तुलना महाकवि कालिदास के काव्यों से की जाती है। हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव राजस्थान के चंद बरहाई को जाता है। उनके द्वारा बरदाई यस जाता है। उनके द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का पहला काव्य माना जाता है। राजस्थान की मीराबाई ने भक्ति साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। महानता तथा लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित राज्य व्यवस्था राजस्थान की भावभूमि में प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। महाभारत में आदिवासी समुदाय के ऐसे गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है जो 5वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे थे। ऐसे गणतंत्रों में राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित यौधेय जनजाति का गणतंत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। स्वाभिमान के लिए संग्राम करने की भावना राजस्थान की धरती के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। यही भावना राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का आधार रही है। यहाँ के बारे में वीरों ने, योद्धाओं ने, जिन राजाओं के नेतृत्व में धरती को अपने रक्त से लाल कर दिया, वे राजा भी अपने लोगों से अथाह प्रेम करते थे। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे वीरों और अनेक सेनानियों का शौर्य भारत की वीर गाथाओं के स्वर्णिम अध्याय है। चित्तौड़ का विजय स्तंभ राष्ट्रीय गौरव का एक जीवंत प्रतीक है। महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करने वाले वनवासी वीर योद्धा राणा पुंजा भील के अमर बलिदान की कहानी मेघवाड़ का बच्चा बच्चा जानता है। वीर बालक दुधा भील ने महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसरण करते हुए अपने प्राण समर्पित कर दिया था। जनजाति समुदाय के लोगों को एकता के सूत्रों में बांधने के लिए मोतीलाल तेजवान ने एक ही आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य एकजुट होकर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना था। शिक्षित समाज के समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाली डंगरपुर की बीरवाला कालीबाई के
विषय में सभी देशवासियों की जानकारी होनी चाहिए। समाज सुधारक और महान स्वाधीनता सेनानी गोविंद गुरु जी के असंख्य देश प्रेमी अनुयायी मानगढ़ नरसंहार में वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान सहित देश के अनेक क्षेत्रों में गोविंद गुरु जी का प्रभाव था। मुझे प्रसन्नता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलब्धि में हो रही कार्य के माध्यम से देशवासियों को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जनजातियों सहित राजस्थान के सभी समुदायों के लोगों ने देश प्रेम के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैंने विधानसभा में इस विषय पर थोड़े विस्तार में जाकर इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श पर ही हमारे संविधान के आदर्श निर्धारित किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ये संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। स्वाधीनता के बहुत पहले सन 1929 में बाल विवाह को समाप्त करने के महान उद्देश्यों के साथ एक कानून सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया था। महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेश का वो महत्वपूर्ण अधिनियम बोलचाल में शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके प्रेरणा श्री हरिविलास शारदा थे। श्री हरिविलास शारदा राजस्थान के निवासी थे। स्वाधीनता के बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर श्री भैरव सिंह शेखावत जैसे जनसेवकों ने संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप राज्य स्तर के कानून बनाने में तथा समावेशी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में प्रभावी नेतृत्व दिया। समावेशी विकास और जनहित में कार्य करने की इस परंपरा में मजबूत बनाना सभी विधायिका का कर्तव्य है। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं सभी माननीय को कहना चाहती हूँ, माननीय हम सब कितने भाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया है ये राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ से ज़्यादा है। जनप्रतिनिधि, विधानसभा के जनप्रतिनिधि केवल 200। माननीय को जनता ने जनप्रतिनिधि रूप में इस विधानसभा को भेजते हैं। माननीय कभी एक बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कि जिंदगी भर बार बार जनता द्वारा प्रतिनिधि बनकर इस सभा को आके सभामंडन करते हैं। जनता कितना प्यार करते हैं, इसीलिए बार बार आपने चाहती जनप्रतिनिधि को बार बार इस विधानसभा को चुन के भेजते हैं। कभी कभी इतने प्रभावित होते हैं अपने नेता या अपने प्रतिनिधि का, हर चीज को फॉलो करते हैं। कभी हेयर स्टाइल, उनके चाल चलन, चेहरा, उनके ड्रेस, कभी कभी ऐसे मैंने देखी जनता को के भी हाथ में बंधे हुए कलाई के कलर का एक धागा को भी वो फॉलो करते हैं। कितने प्यार करते हैं, आशा करते हैं जिस चीज को माननीय विधायक के अध्यक्षों ने यहाँ जिगर करते थे कि आज़ादी प्रियम्बल का कुछ पंक्तियाँ, आज़ादी बोलने का, आज़ादी सामाजिक, आज़ादी आर्थिक, आज़ादी शिक्षा लेने की आज़ादी, ये आज़ादी का दायित्व जनसाधारण ने अपने जनप्रतिनिधि को दिए। ये युग एक कंप्यूटर युग है,
ये युग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलता है। एक युग था जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या बोलते हैं, कभी कभी अपने पेपरों में और देखते हैं, कभी कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था, लेकिन आज घर घर तक यहाँ क्या चल रहा है मेरे जनप्रतिनिधि, जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या कहते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को गुजारिश करना चाहती हूँ, चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता की दिशा में, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए। और केवल हम नुहे, मैं नुहे, मेरा सच, मैं और मेरा को छोड़ के हमारा होना चाहिए। केवल मैं और मेरा सोचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नति शायद नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जनप्रतिनिधि जनता के लिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए। मैं और मेरा से ऊपर उठकर मेरा देश, मेरा जनता, मेरे लोग होना चाहिए। मुझे लगता है आप सब समझदार हैं। आप यहाँ इसीलिए बार बार जनता आपको चुनकर भेजे हैं। मुझे लगता है आने वाला दिन जो भी मुद्दा, हमको पता है कि ये मुद्दा हम लोगों के हम अभी चाहिए, नीड ऑफ द आवर, अभी का क्या जरूरत है, वर्तमान की जरूरत चीज़ें का, उसी हिसाब से नियम बनाने का दायित्व जनता ने जनप्रतिनिधि को दिए हैं। आप उसको बना सकते हैं, आपके हाथ में हर चीज है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आगे चलकर ये एक्स वाई जेड ने नहीं किया, लेकिन अपने खुद को पूछना चाहिए, मैं क्या किया, हम क्या किए। एक्स नहीं किया लेकिन मेरे मुझे दायित्व दिया गया, जनता ने मुझे दायित्व दिए, मैं क्या किया, मैं जनता के लिए क्या किया, हम मिल के संगठित रूप में क्या किए। मुझे लगता है आने वाला दिन, ये राजस्थान नाम सुनकर मुझे दिल में इतने भावना आती है कि राजाओं के राज तंत्र तो अभी नहीं है, लोकतंत्र है। इसीलिए मुझे चुना गया है, मुझे परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे पता नहीं कितने होगा, हैं 7 करोड़ और 200। इतने भरोसा करते हैं, मुझे लगता है भरोसा लायक होना चाहिए। मैं राजस्थान के समग्र विकास तथा राज्य के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। राजस्थान की विधानसभा के सभी सदस्य जनकल्याण और राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे तथा संसदीय प्रणाली के गरिमा को बढ़ाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।